नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। चलते हैं पसंदीदा। यदि बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात है। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो हमेशा अंडरूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होता है। अब देखिए इनकी जो दूरी है वो अपन को पांच दे रहे हैं। कितनी दे रही है? पांच। तो हम इसके बराबर पांच लिख देते। अब ये कोई भी बिंदु है, एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये दूसरा बी है, तो कोई भी बिंदु होता है वो एक्स और वाई के रूप का होता है। हम इसको एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, इसको एक्स टू और इसको वाई टू मान ले। तो वाई टू का मान अपन के पास में पांच माइनस एक्स वन का मान एक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू का मान हमारे पास में सात माइनस वाई वन का मान तीन का इस पर ऊपर रूट का सिनर है। अब ये रूट का सिनर इधर से हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। पांच का स्क्वायर बराबर पांच माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सात में से तीन का होगा पीछे बचे चार, चार का स्क्वायर सोलह। या फिर अब इसको इधर रख लो, पांच माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड में रख लें और इस संख्या का यदि इधर ट्रांसफर कर लें, इस सोलह का इधर ट्रांसफर कर लें तो पांच का स्क्वायर अपन के पास में पच्चीस हो गया और इस सोलह प्लस का इधर आते माइनस में बदल गया तो अपन के पास में पांच माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पीछे बदलेंगे अपन के पास में 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 9। या फिर 5 माइनस एक्स, ये रूट का सिनर जब इधर जाएगा तो इसको सॉरी स्क्वायर का सिनर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। या फिर 5 माइनस एक्स बराबर इसका हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट का ही नहीं तो अपन के पास में 3 हो जाएगा। अब इस 5 का यदि इधर ट्रांसफर कर ले तो माइनस एक्स बराबर 3, प्लस का इधर जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो या फिर एक्स बराबर तीन में से पांच जाएंगे माइनस के दो बजे, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस दोनों कट हो जाएंगे, एक्स का मान अपन के पास में दो आ जाएगा, जो सवाल का आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि बिंदु माइनस दो माइनस एक एक पांच माइनस दो तथा चार माइनस चार एक आयत के शीर्ष है। मान ले सबसे पहले हम इसको एक चित्र बना के यहां इस प्रकार इसके शीर्ष लिख दे, ए बी सी और डी। ए के निर्देशांक माइनस दो माइनस एक, बी के निर्देशांक माइनस एक एक, सी के निर्देशांक पांच माइनस दो और डी के निर्देशांक चार माइनस के चार। अपने को सिद्ध करना है कि ये दिए गए एक आयत के शीर्ष है या नहीं। हम जानते हैं कि आयत की जो भुजा आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। इसके साथ साथ इसके विकर्ण भी बराबर होते तो अपन को कुल मिला के यानी इस भुजा की लंबाई क्या, यानी लंबाई का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, ए और डी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी, कुल मिला के अपन को इस सवाल के अंदर छह दूरियां ज्ञात करनी है। जब तीन दूरियां दूरियों की जोड़ियां आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो ये दिया गया बिंदु इस एक आयत के शीर्ष पर। चलते हैं इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए बी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का
बी बराबर, अब ये एक्स वन है इधर वाला एक्स वन, ये एक्स वाई टू वाई वन है और ये एक्स टू और ये वाई टू। ये एक्स वन एक्स टू लेना पहले, एक्स टू माइनस का वन माइनस वन, एक्स वन माइनस के दो, इसको कोष्ठक में रख दिया, स्क्वायर प्लस वाई टू का मान एक माइनस वाई वन माइनस का एक, ये माइनस है, इन पूरे को कोष्ठक में रख लो, स्क्वायर स्क्वायर कर लो। तो ए बी बराबर ये माइनस वाली माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के दो और दो में से माइनस एक कम हो जाएगा, इसमें बचेगा एक, एक का स्क्वायर एक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक और एक दो देंगे, दो का स्क्वायर चार, ये प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं रूट। ए बी बराबर चार और एक पांच, ए बी की दूरी हो गई वो रूट पांच हो गई। इसी तरीके से बी सी की दूरी ज्ञात करते हैं वापस, बी सी बराबर रूट, अब इनको मिटा लो यार, ये वन मान लो ये टू मान लो, ये वाई वन मान लो ये वाई टू मान लेते हैं, तो एक्स टू पांच माइनस एक्स वन माइनस का एक का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस का दो माइनस वाई वन प्लस का स्क्वायर, तो बी सी बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पांच और एक छह, छह का स्क्वायर छत्तीस प्लस माइनस दो और माइनस एक, माइनस से तीन हो गए, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो तीन और माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का नौ, छत्तीस और नौ प्लस के पैंतालीस, रूट पैंतालीस हो गया। इसी तरीके से सी डी की दूरी, सी डी बराबर ये वन मान लेते हैं और इधर वाले बिंदुओं को टू मान लेते हैं, तो सी डी बराबर रूट एक्स टू, एक्स टू का मान चार माइनस एक्स वन प्लस का पांच का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस का चार माइनस वाई वन माइनस का दो का स्क्वायर, सी डी बराबर ये माइनस का एक बचेगा, माइनस का एक का स्क्वायर करेंगे प्लस का एक प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चार माइनस के और प्लस के दो कट जाएंगे तो पीछे माइनस के दो बचेंगे, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का चार हो जाएगा, या फिर सी डी बराबर रूट पांच। इसी तरीके से ए और डी की दूरी क्या करनी, ए डी बराबर रूट ये वन मान लो ये टू मान लेते, तो एक्स टू माइनस का दो माइनस एक्स वन प्लस का चार का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का एक माइनस y1 माइनस के चार का स्क्वायर, तो ए डी बराबर ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे दोनों को, माइनस के छह हो जाएंगे, छह का छत्तीस हो जाएगा और ये दोनों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चार प्लस के और एक माइनस का कट जाएगा, पीछे माइनस के तीन प्लस के तीन बचेंगे, तीन का स्क्वायर करेंगे तो अपन के पास में नौ हो जाएगा, तो ए डी या फिर ए डी बराबर छत्तीस और नौ पैंतालीस हो जाएगा। अब चार दूरी अपन के पास में हो गई, अपन को पुनः आयत याद करना है, तो आयत के विकर्ण भी बराबर करने पड़ेंगे, तो ए और सी की दूरी याद भी करनी पड़ेगी, ए सी बराबर रूट ये वन ये टू मान लेते तो माइनस दो एक्स वन पांच का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस एक माइनस वाई वन माइनस का दो का स्क्वायर, ए सी बराबर ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस में माइनस के सात हो गए, सात के स्क्वायर किए उनचास प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो प्लस के और एक माइनस का कट जाएगा, पीछे माइनस प्लस का एक बचेगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो अपन के पास में एक हो जाएगा, ए सी बराबर उनचास और एक जोड़ेंगे तो अपन के पास में पचास हो जाएंगे। इसी तरीके से बी और डी की दूरी भी ज्ञात करनी, बी बी बराबर रूट इसको वन मान लो इसको टू मान लो, इसको वन मान लो इसको टू मान लो, किसी तरीके से आप मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, इसको हम वन मान ले इसको टू मान ले, चार माइनस माइनस का
एक का स्क्वायर प्लस माइनस चार माइनस प्लस का एक का स्क्वायर। तो बी डी बराबर चार और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चार और एक पांच, पांच का स्क्वायर पच्चीस, और ये माइनस के चार और माइनस का पांच हो जाएगा और पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा, और पच्चीस और पच्चीस को जोड़ेंगे तो अपन के पास में पचास हो जाएगा। अब देखिए अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अपन के पास में ए बी की दूरी अनुरूट पांच है और पुनः सी डी की दूरी बी अनुरूट पांच है, यानी ए बी और सी डी आमने सामने की भुजाएं बराबर, पुनः बी सी, बी सी की दूरी अपन को अनुरूट पैंतालीस दे रखी है और यहाँ ए डी की दूरी भी अनुरूट पैंतालीस है, तो यहाँ भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। पुनः ए सी की दूरी भी अपन के पास में रूट पचास और बी डी की दूरी, ए सी है और बी डी है, दोनों की दूरियां बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके विकर्ण भी बराबर है और आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और जिस आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो वह एक आयत होता है। तो आप क्वेश्चन करने वाला प्रश्न कैसा भी है, भले ही समकोण त्रिभुज का दे, भले समचतुर्भुज का दे, भले समबाहु त्रिभुज का दे, अपन को उसके अवयव ध्यान रखने हैं। समबाहु त्रिभुज में बी चार भुजाएं बराबर होती है लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज में चार भुजाएं बराबर होती है लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते, यदि वर्ग दिया है तो वर्ग में चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। और समकोण त्रिभुज में पूछा जाता है तो किसी दो दूरियों का स्क्वायर का योग तीसरी दूरी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज रहता है। अपन को सिद्ध करने वाला प्रश्न इसी तरीके से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, यदि बिंदु पी के माइनस एक एंड दो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक तीन और के तथा बी जिसके निर्देशांक के और पांच है से समदूरस्थ हो तो के का मान ज्ञात करना है। अपन को यह दे रखा है कि ये पी बिंदु है तो ए और बी दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है, तो अपन इस तरीके को इस पहाड़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बिंदु ए है और ये कोई दूसरा बिंदु बी है, और ए का निर्देशांक तीन और के है और बी का निर्देशांक के और पांच है, इससे कोई मालूम नहीं कि ये जो पी दे रखा है ये इसके निर्देशांक अपन को के माइनस एक एंड दो दे रखे हैं। अब देखो कि इस समदूरस्थ मतलब ये इससे भी बराबर दूरी पे स्थित है और बी से भी समदूरस्थ तो मतलब इसकी दूरी भी बराबर है, अपन ये कह सकते हैं कि ए पी और बी पी की दूरी है वो बराबर। तो सबसे पहले अपन ए पी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ए पी बराबर अनरूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो ए पी बराबर एक्स टू, भले आप इसको एक्स टू मान लो तो इसको एक्स वन मान लो, ये वन एक्स वन वाई वन तो ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा, तो अपन के पास में के माइनस एक माइनस एक्स वन यानी तीन का स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू अपन के पास में दो माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए पी बराबर रूट ये माइनस तीन और माइनस एक मिलकर के अपन के पास में माइनस के चार हो जाएंगे, इस तरीके से के माइनस चार का स्क्वायर प्लस दो माइनस के का स्क्वायर, या फिर ए पी बराबर इस अभी देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है पर के पास में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसके तहत अब इसको सॉल्व करें तो के का स्क्वायर करेंगे तो अपन के पास में के स्क्वायर हो जाएगा माइनस दो को ए से गुणा करेंगे दो के, फिर इसको बी से गुणा करेंगे तो चार आठ हो जाएंगे, अपन के पास में
आठ के हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर चार का स्क्वायर 16 प्लस अब दो का स्क्वायर करेंगे तो दो दुनिया पर के पास में चार हो जाएगा माइनस टू ए बी दो दुनिया चार चार के से करेंगे तो अपन के पास में चार के हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो अपन के पास में प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा या फिर ए बी बराबर अब इनको टोटल करके जोड़ दो ये 16 और 4 20 हो जाएंगे और एक के स्क्वायर एक के स्क्वायर अपन के पास में दो के स्क्वायर हो जाएंगे दो के स्क्वायर ये माइनस के 8 और माइनस के 4 मिलकर के माइनस के 12 के हो जाएंगे 16 प्लस के और प्लस के 4 मिलकर के अपन के पास में प्लस के 20 हो जाएंगे। इसको समीकरण नंबर आप एक बना। इसी प्रकार अपन के पास में बी पी याद करेंगे अपन तो बी पी बराबर ये अपन 1 मान ले इधर वाला तो इधर वाला अपन 2 मान लेते हैं तो k माइनस 1 माइनस k का स्क्वायर प्लस ये 2 है y 2 और ये y 1 है तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर तो बी पी बराबर ये माइनस का k और ये प्लस का k कट जाएगा माइनस का 1 बचेगा एक को एक से गुणा करेंगे एक का स्क्वायर हो जाएगा एक प्लस ये दो प्लस के पांच माइनस के तीन बचेंगे माइनस तीन को स्क्वायर करेंगे तो प्लस के अपन के पास में नौ हो जाएंगे तो बी पी बराबर अपन के पास में प्लस के 10 हो गए। ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब देखिए कि अपन को यहाँ दे रखा है कि ऑलरेडी के ए पी और बी पी की दूरी है वो बराबर है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी और ए पी का मान अपन को दे रखा है यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 20 बराबर इसका रूट बराबर रूट 10 तो रूट से रूट कट हो जाएगा तो पीछे बचेगा अपन के पास में 2 के स्क्वायर माइनस 12 के बराबर उधर अपन के पास में 10 बचे ये प्लस के 20 उधर डालते तो अपन के पास में माइनस में बदल जाएंगे। अब अपन इसमें लिख दो 2 के स्क्वायर माइनस 12 के बराबर ये पीछे माइनस के 10 बचेंगे यदि सारी संख्याओं के अंदर 2 का भाग लगा दें तो अपन के पास अब अपने सामने 2 के स्क्वायर माइनस 12 के बराबर माइनस के 10 पीछे बचे थे। अब यदि इस 10 को इधर ट्रांसफर कर लें तो 2 के स्क्वायर माइनस 12 के ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस सारी संख्याओं के अंदर अपन 2 का भाग लगा दें तो यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा यहाँ 2 का भाग 6 बार जाएगा और यहाँ 2 का भाग 5 बार जाएगा। अब अपन को ऐसी दो संख्याएं याद करनी है कि इसको और इसको गुणा करने पे 5 होते हैं तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 5 हो और जोड़ने पे माइनस के 6 यानी a प्लस बी बराबर माइनस के अपन के पास में 6 होते हैं तो अपन माइनस के 5 और प्लस के माइनस का 1 ले ले तो अपन के पास में टोटल माइनस के 6 होते हैं और दोनों को जब अपन गुणा करें तो प्लस के 5 में माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस हो जाएगा तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 5 के माइनस के प्लस 5 बराबर 0 इन दोनों में से k को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पीछे k बचेगा और इधर k से ये k कट हो जाएगा पीछे माइनस का 5 बचेगा और इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एक माइनस का 1 कॉमन ले लें तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 1 का भाग k में k बार जाएगा ये माइनस का भाग प्लस में माइनस बार जाएगा और 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा बराबर 0। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं k माइनस 1 इंटू k माइनस 5 बराबर 0 या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k माइनस 1 बराबर भी 0। इसका मतलब ये होता है कि इसके बराबर भी 0 है और ये इसके बराबर भी 0 है तो k माइनस 1 बराबर 0 या फिर k माइनस 5 बराबर भी 0 का जब अपन माइनस 1 का ट्रांसफर इधर करते हैं तो माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा और माइनस 5 को इधर ट्रांसफर कर लें तो ये भी प्लस में बदल जाएगा अतः जो k का मान होगा वो अपन के पास में 1 या 5 दोनों में से
कोई भी हो सकता है, ये इस प्रश्न का आंसर है। अपन को ऐसा कोई भी सवाल आता है मान ज्ञात करने का, तो अपन को इसी तरीके से सवाल का हल करना। थैंक्स।